मुझे पुलिस की नौकरी बहुत पसंद है, लेकिन मेरी वजह से एक जान खतरे में है। होश में आना है, लेकिन नहीं हो रहा है। मेरे शरीर में 2 बुलेट लगी हैं और ऐसा लग रहा है कि मेरी अंतड़ियों को पार कर चुकी हैं। पैर में बुलेट लगी है, बहुत दर्द हो रहा है, नरक से भी ज्यादा दर्द। मुझे मरना नहीं है, मेरी माया को लेकर गए होंगे। उसे ढूंढना है, उसे बचाना है। शिनी अश्मी, उठ जा, उठ जा माया, उठ जा। मेरा नाम है अंबू सिल्वन IPS। मेरे नाम के आगे जो 3 अक्षर आते हैं ना, वही मेरी जिंदगी है, और मेरी जिंदगी मेरी तपस्या है। 24 साल की तपस्या है। मैं उस उम्र में IPS के लिए सिलेक्ट हुआ। तब तक मेरी जिंदगी बिना किसी लक्ष्य के चल रही थी। उसके बाद सब कुछ बदल गया। जिंदगी में ऐसी कई चीजें होती हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। बहुत सारी खुशियां, कुछ जख्म, कुछ निराशा। 27 साल की उम्र में बतौर ACP कोयम्बतूर के नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन हुआ था। 2 साल के बाद क्राइम ब्रांच मद्रास सिटी। अंबू सिल्वन IPS, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। दिस इज अंबू सिल्वन। श्रीकांत, अरुल, इलामारन, सत्येंद्रन, इंटेलिजेंट गाइस, ACP कुमरेशन। हेलो। इनके बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। ये क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर होकर आए हैं। ये ऑपरेशन पूरा होने तक आपके साथ रहेंगे। एंड ऑफ कोर्स मिस्टर वासुदेवन नायर, क्राइम ब्रांच मुंबई पुलिस, रिटायर्ड एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। इन्होंने अकेले 27 एनकाउंटर किए हैं और एक साल में इन्होंने 24 गैंगस्टर का खात्मा किया है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट। वासुदेवन और ये एक अच्छे दोस्त भी हैं। आपके एडवाइजर के लिए हमने इनसे दरखास्त किया है। ग्लैडली। दिस इज माय क्रिमिनल इंटेलिजेंट यूनिट। इस टीम को असेंबल करने वाला मैं हूं। दिस गाइज आर हैंड पिक बाय मी एंड विल रिपोर्ट डायरेक्टली टू मी। वासु, अंबू सिल्वन और श्रीकांत ने कोयम्बतूर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में साथ में काम किया है। अरुल और इलामारन तूतीकुड़म में वहां के लॉ एंड ऑर्डर में काम करते थे। कमांडो ट्रेनिंग में ये चारों एक साथ थे। सर, इस डॉसियस में तमिलनाडु के मेन 4 गैंगस्टर यूनिट के बारे में कलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन है। अगर हम सेतु, मनाली गजा, पेट्रोल पंप शेखर, आशय, इन लोगों के बारे में हर दिन इंफॉर्मेशन मिलती रहती है सर। आशय 3 दिन के अंदर सिटी में पिकअप के लिए आने वाला है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है। आपके इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहे हैं सर। शिकार के लिए हम तैयार हैं। 28 एनकाउंटर्स मुंबई सिटी के अंदर, उसमें 27 सक्सेसफुल, 1 फेल्योर। लोग मेरे एक फेल्योर ऑपरेशन के बारे में बात करते थे। सो डिपार्टमेंट की नज़र तुम लोगों पे है कि तुम लोग क्या करने वाले हैं। तुम लोग कर लोगे इस ऑपरेशन के लिए। तुम लोग अपने मानसिक तनाव को बदल लो। सब कुछ बदलना होगा, सब कुछ यही है। तुम लोग कानून की रक्षा करते हुए एक गैंगस्टर को मार गिराओगे, उसके अगले ही पल तुम्हारी जिंदगी में इफेक्ट होने के पूरे चांसेस हैं। उनके साथ ही खामोश नहीं रहेंगे। तुम लोगों ने मारने के इरादे से गए हो ये सोचकर वो तुमसे बदला लेने के लिए तड़पेंगे और उनका लक्ष्य तुम्हारी दर्दनाक जिंदगी होगी। हम 4 लोग, हमें पता नहीं डर क्या होता है। डिपार्टमेंट में सभी कहते हैं कि हमारे अंदर गर्म खून है। वी वर द अनटचेबल्स। तेरे पास ही आ रहा हूँ, पैसे तैयार रखना। अगर तूने पुलिस को Go! Hey! पेट्रोल पंप शेखर,
अंदर 4 से 5 लोग हो सकते हैं। तो और लोगों को साथ लेके आना चाहिए था ना, हम लोग सुपरमैन है जो बातें कर रहे हैं। फ्रीज श्री श्री सर 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 गजा भाई सेतु भाई पुलिस पेरुमल पुलिस, तेरा नाम क्या रे? है तेरे बारे में मेरे फंटरों ने बताया, तू यहां से जिंदा बच के नहीं जाएगा। आजा। यही है क्या? हाँ यही है धर्मा। अनबु, अरुण हमारे फोन का इंतजार कर रहा है, क्या करना है? इनको अरेस्ट करने क्या? अरेस्ट क्यों करना है? अंबु, पुलिस रिकॉर्ड में उसका एक भी केस नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट को जो भी इन्फॉर्मेशन मिली वो सच है। वो एक नंबर का रेपिस्ट है, बच्चियों का रेप करता है। अभी 2 महीने पहले 16 साल की देवी नाम की लड़की का रेप किया था, जब वो रात के 10 बजे ट्रेन से अपने घर जा रही थी। 3 लोगों ने देखा था, पर किसी ने भी गवाही नहीं दी, सिर्फ इसके डर की वजह से। इसके पीछे मिनिस्टर का हाथ है, इसलिए हर केस से ये बच के निकल जाता है। देवी अभी हॉस्पिटल में है, अगर अभी हमने अरेस्ट कर लिया ना तो देवी से बयान लेके इसे सजा दिला सकते हैं। देवी जब बेड से उठेगी तब, वो बोलने की स्थिति में होगी तब, देवी अगर गवाही लिख पाएगी तब, ये सब होगा क्या उससे? कोई जरूरत नहीं है। अन्दु, अन्दु, अरे अरे किसने मारा? अरे क्या हो गया? अरे गोली चलाई किसने? गोली मार दी। हे भगवान, मर गया क्या? अगर अरेस्ट करते तो बेवजह गवर्नमेंट का खर्चा, एक गाड़ी रखनी पड़ती उसमें डीजल का खर्चा, अपने 4 लोगों को यूनिफॉर्म में इसके पीछे बंदोबस्त में लगाना पड़ता, कोर्ट जज, अभी 1 बुलेट के खर्च में काम नहीं पड़ गया, वो भी मेरा खर्चा, सिर्फ 50 रुपए। अब देवी भी तो खुश होगी, इसको मार जो दिया। But this is atrocious. Someone has got to do something about somewhere. हमारे देश में लोगों की जान और उनके राइट्स के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जस्ट अ मिनट मैम, 3 दिन पहले इलामारन के घर के पास 3 संदिग्ध व्यक्ति खड़े थे। पूछताछ करने पर पता चला कि उनमें से एक गजा का भाई है, और 18 तारीख की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है वो आपके टेबल पर रखी है। पिछले 14 तारीख को पेट्रोल पंप शेखर के आदमी लोग सिंधादरी पेटे में मीटिंग कर चुके हैं कि अगले पोंगल पर वो हम चारों को खत्म कर देंगे, और अपनी पत्नियों के सामने शपथ ली है। आशय, गजा, पेट्रोल पंप शेखर, इनसे हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या? लेकिन ये हम लोगों को पर्सनली मुफ्त में मिला हुआ है, ये देखिए। सो व्हाट्स द पॉइंट? माय पॉइंट इज मैम, सोसाइटी में छोटे छोटे क्राइम से जान बचाने तक हमेशा एक पुलिस वाले की त्याग की जरूरत पड़ रही है। आई डोंट नीड टू हियर एनी ऑफ दिस मिस्टर अनबु सेल्वन, वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन राइट्स। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं अपने आप में बिल्कुल क्लियर हूँ, समझे आप? योर रिकमेंडेशन इज रेडी। मैम, आप मानव अधिकार की बात कर रही हैं और मानव अधिकारों के उल्लंघन की भी बात कर रही हैं। मानव अधिकार इंसानों के लिए है, मेरे ख्याल से ये तीनों इंसान नहीं है। अगर आप हमें सजा देना चाहती हैं तो पशुपालन निवारण अभियान के तहत सजा दीजिए, हमें स्वीकार है। 6 महीने क्राइम ब्रांच में काम करना डायनामाइट पर चलने जैसा है, क्योंकि हर वक्त जान का खतरा बना रहता है। अब बस हो गया पल पल खतरों से खेलना। तुम लोगों को जो काम दिया था वो पूरा किया? नहीं स्वाति, अभी पूरा नहीं हुआ है,
सेतु, सेतु अभी भी जिंदा है, बाकी के बच जाते तो चलता, लेकिन इसको मारना बहुत जरूरी था। उसके बाद मुझे ट्रांसफर मिलता तो मुझे कोई चिंता नहीं होती। ये ट्रांसफर टेम्पररी है, तू क्या इसको परमानेंट समझ रहा है? देखना फिर से हमें क्राइम ब्रांच में बुलाया जाएगा, उनको हमारी जरूरत पड़ेगी। चलो इला। हाँ? चलो चलते हैं। श्रीकांत ने बिल्कुल सही कहा था, लेकिन मैं सेतु को भूल नहीं पा रहा हूँ। मैंने दिल में ठान लिया था कि एक दिन मैं उसे जरूर उठाऊंगा। हम चारों को अलग अलग डिपार्टमेंट में डाल दिया गया, मुझे क्राइम ब्रांच से कंट्रोल रूम में। कंट्रोल रूम का बहुत ही आसान काम है, चूहों का शिकार करना। पुलिस की नौकरी ऐसी होती है, कोई भी पोस्टिंग आखिर तक नहीं रहती। जहां भी रहूं मुझे जो काम दिया गया है वो पूरी ईमानदारी से करता हूं। मद्रास सिटी, जहां कहीं भी देखो बस चोर, उचक्के, बदमाश, गुंडागर्दी। स्टॉप। कुछ देखा करो भाई। हाँ ठीक है। ए, क्या कर रहे हो तुम लोग? हम लोग ऐसे ही बैठे हैं साहब। कोई घर नहीं है क्या तुम लोगों का? है ना सर, हम लोग तो ऐसे ही बैठ के बातें कर रहे हैं। कोई ऐसे बैठ के बात नहीं कर सकता क्या? बात करना भी गुनाह है क्या सर? बैठ सकते हो, कहीं भी बैठ सकते हो, अगर तुम्हारी वजह से किसी को परेशानी नहीं हो तो। चलो पकड़ के खड़े हो। सर क्या कर रहे हैं? एक्सा ब्लेड वायर। चलो सब लोग। चाबी सर, सुबह स्टेशन में आके ले जाना। सर चाबी चाहिए। चाबी चाहिए। जाने के लिए बोल रहा हूँ ना। चल बोला ना। चल निकलो यहाँ से। चल 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 गाड़ी में बैठ। हेलो कंट्रोल। वीरप्पन को पकड़ने की औकात नहीं है, हमसे पूछ रहे हैं। ए क्या बोला तुम लोगों ने? ए कदम तू, क्या हो गया? सर बोलते वीरप्पन को पकड़ने की औकात नहीं है। ए रुक ना। कदम तू। ए चलो तुम लोग जाओ, सीधे अपने घर जाओ। उन लोगों ने सही तो बोला, हम लोग वीरप्पन को अब तक नहीं पकड़ पाए। औकात नहीं है बोला, ये झूठ है। मैं एक अकेला इंसान हूँ, इस दुनिया में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, और यही मेरी शक्ति है। बीवी बच्चे वाले बहुत ऑफिसर्स हैं, जिनके पास वो आज़ादी और हिम्मत नहीं थी, वो सब मेरे पास बहुत ज़्यादा थी। डर किसे कहते हैं ये मुझे पता ही नहीं है। मैं कहीं भी किसी के भी खिलाफ खड़ा होकर उसे टक्कर दे सकता हूँ, और मुझे उसके अंजाम की परवाह भी नहीं है, और मुझे ये बहुत पसंद था। और फिर एक दिन माया मेरी ज़िंदगी में आ गई, मेरी खूबसूरत माया। जिंदगी में मैं कुछ लड़कियों से मिला हूँ, लेकिन आज तक किसी ने मेरे दिल को डिस्टर्ब नहीं किया, वो भी पहली नजर में। समझते क्या है तू अपने आप को? यू टर्न लेना सर। अरे यू टर्न लेना यार। ठीक है सर। उस दिन तुझे हाथ दिखाया था तो तूने मेरे हाथ पर फेंका था ना, आज तेरा दुपट्टा मेरे हाथ में। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? बदतमीज, बदमाश स्टूडेंट्स हो गया तुम लोग। किस कॉलेज के हो? कौन से कॉलेज का रहे तू? अगर तेरा पैर टूट गया और तू ऐसे ही घर जाएगा, तेरी माँ पूछेगी तो क्या जवाब देगा? इधर आ। बहुत बड़ा मजनू बनता है क्या? चलो चलो चलो। उसी दिन मैंने उसे पहली बार देखा। जाओ रे, जाओ यहाँ से। उसकी आंखों में उस वक्त जो गुस्सा और डर था वो मैं भूल नहीं पाया। पहली बार कॉलेज खत्म करने के बाद किसी लड़की को देखते रहने का मन कर रहा था। मुझे मेरी किस्मत पर भरोसा नहीं है, लेकिन हर बार वो। आप अंदर आएंगे?
एक्सक्यूज मी। ये आपकी पायल, लगता है लिफ्ट में गिर गई थी। ये आपकी है ना? आपकी नहीं है? ये मेरी नहीं है, आपको भी पता है। एक्सक्यूज मी, ये मेरा है, लिफ्ट में गिर गया था। ओह, ये लीजिए। थैंक यू। कहा तुम हो, तुम्हें स्पॉट पर आ गया, बोल दो। कोई भी वहां पर खड़े मत रहो। एक किलो शक्कर, एक पैकेट मैदा और ब्रू कॉफी। अभी देता हूं। हेलो, जल्दी दीजिए ना प्लीज। एक्सक्यूज मी, आप इसी एरिया में रहती हैं? घर कहाँ है आपका? एक नारियल दीजिए ना। हेलो, आपसे पूछ रहा हूँ, घर कहाँ है आपका? मैं आपको पहचानती हूँ क्या? आपको जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। वो मुझे पसंद नहीं करती थी और ये बात मुझे बहुत पसंद थी। ये लीजिए 100 रुपए, बाकी के पैसे बाद में ले लूंगी। ठीक है। लड़कियों के मामले में मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा कि अगर लड़की हो तो ऐसी होनी चाहिए। सर, पैसे नहीं है सर, सिर्फ फिल्म देखने के लिए पैसे लेकर आया था, वो भी खर्च हो गया सर। गाड़ी मेरे फ्रेंड की है, लाइसेंस है, इंश्योरेंस है, आरसी बुक है, सब कुछ घर पर है सर। मैं सही कह रहा हूँ सर, आप मुझे आधा घंटा दीजिए, मैं लाकर दिखाता हूँ। 2 सप्ताह के बाद मैं फिर उससे मिला। सर, क्या प्रॉब्लम है इधर? सर, पेपर्स नहीं है, लाइसेंस नहीं है, और पूछ रहा हूँ तो गोल मोल जवाब दे रहा है सर। साइड लगा। क्या नाम है तुम्हारा? राजा है सर। सर, मैं आपको जानता हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर अनबू सेल्वन। सर, ट्रेसपलम एरिया में हम दोनों ने एक लैंड प्रॉब्लम सॉल्व किया था, आपको याद है सर? आपका नाम क्या है? माया। घर कहाँ है? नंबर 3 पुसानिया पाया नगर अडियार। उस दिन पूछा था तो बताया नहीं? हाँ, कहाँ से आ रहे हो? नाइट शो देखकर आ रहे हैं। टिकट है क्या? सर, ग्रीम्स रोड फ्रूट शॉप पर टिकट के बदले फ्री जूस मिल रहा है, टिकट के पीछे लिखा था सर, इसीलिए हमने यूज कर लिया। कौन है, बहन है क्या? नहीं सर, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मतलब? फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड्स। ये रोड क्यों यूज कर रहे हो? दैट्स फॉर यू, फॉर द बैरिकेड्स। उसकी परवाह किए बिना चलोगे क्या? हाँ, तुम लोग शॉर्टकट यूज तो कर रहे हो, लेकिन वो सब करना बिल्कुल सही नहीं होता है। एंड दिस टाइम ऑफ द नाइट, एक लड़की और एक लड़का, शुडंट यू बी कैरी ऑन योर पेपर्स? यस सर, सॉरी सर। ओके, कैरी ऑन, चाबी इनको दे दो। ओके सर, ए चाबी दे दो। जी सर। कमिश्नर साहब का साइन ले लिया है, आप उनका इंतजार मत कीजिए, वहां पर चीफ वेट कर रहे हैं। कोर्ट में इस फाइल को ले जाकर सबमिट कर दीजिए, मैं शाम को आपसे मिलकर बात करूंगा। ओके सर। हेलो सर। और अचानक 1 महीने बाद मैंने फिर से उसे देखा। हेलो, मेरा नाम माया है। याद है, क्या काम है? मुझे सॉरी कहना था, मैं आपसे गलत तरीके से पेश आई। एक्चुअली आप इतने बड़े ऑफिसर हैं, मुझे पता नहीं था। उस दिन आपकी नजरों से ही मैं समझ गया था। बात करने के लिए पायल का नाटक सेट करके आपके पीछे घूम रहा हूँ, ऐसा आपने सोच लिया था क्या? सो एक पुलिस ऑफिसर पायल लेकर किसी के पीछे नहीं घूमेगा, आपने रियलाइज कर लिया है ना? पुलिस के लिए एक अलग ही सम्मान होता है ना? अच्छी बात है। बोलिए। क्या? सॉरी बोलना था ना आपको? I'm sorry sir, I'm really sorry. Your apologies are accepted. किसी अजनबी से बात नहीं करना अच्छी बात है, लेकिन किसी को गलत नहीं समझना चाहिए। क्या कर रही हैं आप यहाँ पे? Sports day. Student? Teacher. St. Stephen School में टीचर माया। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हो? मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, 10th एंड 12th स्टैंडर्ड। 12th स्टैंडर्ड मैथ्स बहुत ही मुश्किल है, क्या पढ़ाई की आपने? MSc मैथ्स, IIT चेन्नई। IIT में पढ़ाई करने वालों को यूजुअली अमेरिका में अच्छा जॉब मिलता है, वैसे आप यहाँ पढ़ा रही हो क्या? मुझे पढ़ाना पसंद है इसीलिए। सर, आपका एक आर्टिकल पढ़ा था,
पिछले हफ्ते के एक्सप्रेस में. वेरी इंप्रेसिव सर. थैंक्स. आई एम सॉरी. आई एम रियली सॉरी. डोंट वरी अबाउट इट. ओके. बाय बाय. हेलो. हाउ आर यू सर? कौन बात कर रही हैं आप? सर माया बोल रही हूँ. याद है आपको सेंट स्टीफन स्कूल? माया 12th स्टैंडर्ड मैथ्स. हाँ याद है. बोलिए ना क्या बात है. आपसे बात करनी थी तो ये नंबर मिला. क्या इस नंबर पे बात कर सकती हूँ? या नो प्रॉब्लम. सर मैं भी स्कूल से ही बात कर रही हूँ. यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है. मुझे हेल्प चाहिए. आप यहाँ आ सकते हैं क्या प्लीज? हेलो. सॉरी सर आपको यहाँ आने के लिए फोर्स किया. कोई बात नहीं. बोलिए क्या बात है. थैंक्स फॉर कमिंग. ये मेरे स्टूडेंट रोशनी है. हेलो रोशनी. हेलो सर. इसका घर एमजी रोड पर है. जहाँ रहती है वहाँ एरिया ठीक नहीं है. एक लड़का अक्सर इसके साथ छेड़खानी करता रहता है. ये रोज होता है. डर के मारे घर में भी नहीं बता पाती. उसके साथ चार पांच लड़के और होते हैं. चेहरे पर एसिड फेंकने की धमकी देते हैं. सुबह से इसके पीछे लग जाते हैं. बस में भी परेशान करते हैं. स्कूल छूटने के बाद भी. अभी वो लोग हैं. क्या करना चाहिए बताइए? पुलिस एक्शन लेना होगा या फिर मुझे कंप्लेन करनी पड़ेगी? इसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए. ठीक है आप दोनों साथ में आओ. जीप में बैठो. वो यहाँ पे है क्या रोशनी? उस ऑटो के पास. उतर कर जाओ. सर डरो मत. मैं हूँ. रोशनी मैं तुम्हारे पीछे जाऊंगा. तुम जाओ. हे जानेमन, एक तो स्कूल से लेट आई और ऊपर से चुपचाप जा रही है. इधर आ. अरे यहाँ आ. अगर नहीं आई तो तेरे घर में घुसकर तेरी माँ के चेहरे पर एसिड फेंक दूंगा. चला जा. अरे आ जा. क्या हुआ? इतनी देर से बुला रहा हूँ. तू मुझे पसंद नहीं करती? हाँ मेरी शक्ल अच्छी नहीं है. मैं तुझे पसंद नहीं. अगर तू मेरे साथ घूमेगी तो क्या तेरी नाक कट जाएगी? हाँ मैं बहुत कूल इंसान हूँ. तू मुझे क्यों टेंशन देती है? अरे समझाना इसे. अरे काय को परेशान कर रही है? एक दिन स्कूल छोड़ के उसके साथ चली जाएगी तो क्या होगा तेरा? कुछ घट जाएगा क्या? hey! Hey! इसको क्यों समझा रहा है? चेहरे पे एसिड फेंक तब समझ में आएगी बात. इसको एसिड निकाल रहे. ले डाल डाल. नहीं, नहीं, अबे सोच क्या रहा है? अबे डालना. ये ले डालो. मुझे नहीं. डालो डालो. अगर डाल दिया तो क्या होगा पता है तुझे? डालो डालो डालो. फेंक दे. Hey, कौन है रही है? भाई ये तो पुलिस है. सर 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 एसिड नहीं है. सर 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 सिर्फ सादा पानी है. सर सर एसिड नहीं है. सर सर hey. सर 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 गलती है. सर 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 ऐसी मजाक किया. बुलेट नहीं है खाली रिवॉल्वर है. डर गया क्या? सर सर नहीं सर. इधर आ. स्वामी सर. स्वामी है. चल जा बदमाश लोग. घर जाओ रोशनी. आज के बाद तुम्हें इन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तुम एकदम तेज कदमों से बेखौफ जा सकती हो. अपनी नजरें हमेशा ऊपर उठाकर चलना. ओके? थैंक यू सर. मैं यहीं उतर जाती हूँ. आर यू श्योर? यस.
सर, अगर वो सच में एसिड होता तो क्या होता? पूरा चेहरा जल जाता। मैं तो सोचकर काम गई थी। थैंक गॉड, थैंक यू। उसके बाद बार बार वो चेहरा, वो आंखें मेरे सामने रहती थी, सात रंगों की तरह। ये सब क्या और क्यों था मुझे नहीं पता। वो मुझे पसंद थी या नहीं ये मैं अभी बोल नहीं पा रहा हूँ। हे अनु, सारे पन सॉफ्ट हो रहे, टफनेस कहाँ गई? क्या हो गया तुझे? ऐसा ही क्या? हाँ ठीक है, अब ले ले। आजा आजा, चल, come on, come on, come on, let's go. हेलो सर। हेलो। वहाँ कॉफी शॉप में एक फ्रेंड बैठी थी, आपको देखा। क्या आप हमारे साथ कॉफी पीना पसंद करेंगे सर? वुड यू लाइक टू जॉइन अस? सॉरी, मैं अभी यहाँ ड्यूटी पर हूँ। सीएम यहाँ से जाने वाले हैं, मुझे यहाँ पर ही रहना होगा। थैंक्स, यू कैरी ऑन। ठीक है, सीएम के जाने के बाद आ जाइए, हम वेट करेंगे। आएंगे ना? आई एम नॉट श्योर, कितना टाइम लगेगा पता नहीं। मेरे लिए वेट मत कीजिए, जाइए। ओके ओके, बाय बाय। कौन है सर? भाभी जी हैं क्या? अपना काम करो कातमुत्तु। कई बार कई खतरनाक एक्सीडेंट देखे हैं, लेकिन कभी किसी हादसे ने मुझे इतना दुख नहीं पहुंचाया। लेकिन उसके साथ जो एक्सीडेंट हुआ, वो देखने के बाद तो मेरी जान ही निकल गई थी, सच में। कातमुत्तु, इसका नाम माया है। सेंट स्टीफन स्कूल में टीचर है। जी सर। इनके स्कूल में बोल दो कि इनके घर पर इन्फॉर्म कर दें। ओके सर, ओके, ओके। मेरा मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। ठीक है सर। नहीं नहीं, आज संडे है, स्कूल बंद है जी। प्रिंसिपल के घर पर फोन करके इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। जी सर। हम जहाँ पर खड़े थे वहाँ पास में एक कॉफी शॉप है। ठीक है सर। वो बता रही थी कि वो उस कॉफी शॉप में अपने फ्रेंड्स के साथ आई है। चौबीस घंटे निकल जाने दीजिए, वैसे ये ठीक हो जाएंगे। ओके डॉक्टर। हेलो। हेलो सर, कैसे हैं आप? आप कैसी हो? बहुत दर्द हो रहा है। ठीक हो जाएगा, आप डॉक्टर को आने के लिए कह देता हूँ। एसीपी सर, सीएम के जाते वक्त आप वहाँ पर नहीं थे। आप कार में मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। जब मैंने आपको कॉफी के लिए बोला तब आपको मेरे साथ आना चाहिए था। अरे आप तो सीरियस हो गए, मैं मजाक कर रही हूँ। आपको देखते हुए जा रही थी, सामने से क्या आ रहा था दिखाई नहीं दिया। पहली बार हमारे शहर में पानी के टैंकर को कोई दोष नहीं देगा।
डॉक्टर को आने के लिए कह देता हूँ। हेलो हेलो, इसका नाम आरती है, ये माया की सिस्टर है। क्या हुआ, कैसी है वो? शी इज ओके नाउ। माउंट रोड पर एक टैंकर से एक्सीडेंट हो गया, माथे पर, हाथ पर, पैर पर चोट लगी है। शी इज फाइन, आप जाकर देखिए। क्या बात है, सुनने में आया पूरा दिन हॉस्पिटल में रहते हो। सिर्फ दो बार जाकर मिला, बस इतना ही। लेकिन हर काम के बीच में उसका ख्याल रहता है स्वाति। अब बोली तुमने असली बात, so this is it, finally you fall in love। ऐसा कुछ नहीं है और मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। उसका एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है, इसलिए दिल में थोड़ी सी खटक थी, बस इतना ही। उस दिन तुमने कहा था ना कि नाइस गाय को नाइस गर्ल मिलती है, वो अच्छी लड़की है लेकिन मैं उसके लिए अच्छा लड़का नहीं हूँ। मैंने उसे उस दिन रुलाया था, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, आज के बाद मैं उससे नहीं मिलूंगा। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। मुझे उससे मिलने का दोबारा मन किया। क्या बात है एसीपी सर? मुझसे मिलने आया है ना, एक फ्लावर बुके ला सकते थे ना, गन लेकर आए हैं। भले ही आप बड़े ऑफिसर हैं, आपको देखकर लोग डरते होंगे, लेकिन एक लड़की के सामने कैसे पेश आना चाहिए इस बारे में आप कुछ भी नहीं जानते ना, मानते हैं ना इसे? हाँ मैं मानता हूँ। और आप कुछ ज्यादा ही अनकंफर्टेबल है, करेक्ट? क्यों? नहीं ये चेयर। चेयर? आपकी दीदी भी अनकंफर्टेबल फील कर रही है जब मुझे देखती है, ये मैंने हॉस्पिटल में देखा था। क्यों, आपने पूछा क्या? मुझे पता है आप एक पुलिस वाले हैं, आप मेरे साथ बैठकर बात कर रहे हो इसीलिए। जो क्रिमिनल्स होते हैं वो हम पुलिस वालों को देखकर अनकंफर्टेबल फील करते हैं, बाकी लोग अनकंफर्टेबल क्यों होते हैं? आप मेरी दीदी को क्रिमिनल कह रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोग भी एक साधारण इंसान ही है, वी आर नॉर्मल पीपल एंड द नॉर्मल पर्सन। मैं ये कहना चाहता था, उन्हें भी ये बता देना। ऐसा है, देखते हैं कि आप कितने नॉर्मल पर्सन हैं। मेरे बुलाते ही आप आ गए, इसके लिए थैंक्स। क्यों इस तरह फॉर्मली बात कर रही हो? नहीं आप बिजी रहते हैं ना, लेकिन मैंने आपसे मिलने का फैसला किया था, बाहर निकले काफी दिन हो गए ना। सोचा आपसे मिलकर देश का हाल ही जान लेती हूँ। सिटी एकदम शांत है ना एसीपी सर? क्यों नहीं, आप हैं तो शांति होगी। एक्चुअली मैं भी इतना बिजी नहीं हूँ, सिर्फ कंट्रोल रूम। आई एम डिप्रेस्ड, जिंदगी के 3 महीने तो बेकार हो गए, सपनों में भी अब दीवारें ही नजर आती हैं, इसलिए कल मैं पौंडीचेरी जा रही हूँ अपनी दीदी के घर। दीदी तो उसी दिन चली गई थी, उनसे मिलने का मन कर रहा है। एसीपी सर, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? आपने कहा ना क्या बिजी नहीं है, आपको आना होगा, मैं आपको बहुत खूबसूरत जगह ले जाऊंगी, आपको बहुत पसंद आएगा, चलिए ना। अब चलें क्या, टाइम हो रहा है। I had a good time. बहुत दिनों के बाद. Thanks to you. चलो. मुझे कुछ बात करनी है. घड़ी मत देखिए. मुझे बात करनी है. आपके बारे में कुछ पता चला है मुझे. क्या है? जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन की बात है. मुझे लगा किसी ने मुझे वाटर टैंक से उठाकर फेंका, जब होश आया तो बहुत दर्द हो रहा था, इतना कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और फिर अचानक मुझे लगा कि कोई मुझे उठाकर ले जा रहा है। एसीपी ऑफिसर, मैंने देखा था, कार में आपने मुझे अपनी गोद में सुलाया, मैंने देखा आपके शर्ट पर मेरा खून था, मेरे बहते खून को रोकने की कोशिश की, कहा तुम तो जल्दी चलो, आप ड्राइवर से कह रहे थे। मुझे सब कुछ पता है,
मैं सब देख रही थी, आप रो भी रहे थे, क्यों? मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया, फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन मैं मरूंगी नहीं ऐसा मुझे विश्वास था। पर सोचा आंखें खोलूं तो आप सामने हो, और वही हुआ, आप मेरे सामने थे। ऑफिसर, एक बात बताइए, अगर मेरी जगह आपकी गोद में कोई और होता तब भी आपकी आंखों में आंसू आते? मे बी, लेकिन उस वक्त आपकी गोद में मैं थी। हॉस्पिटल में जब आंखें खोली तो मेरे सामने आप ही थे, तब मुझे दर्द का एहसास नहीं हुआ, मैं बहुत खुश थी। ऑफिसर, मैं साफ साफ कहती हूँ, और मुझे ये कहते हुए शर्म नहीं आ रही, मैं आपसे प्यार करती हूँ, ट्रूली, मैडली, डीपली। नहीं माया, सिर्फ प्यार मत कहो। तुम्हारे ये कहने से पहले कि तुम प्यार करती हो, एक फीलिंग थी, वो अच्छी थी, उसे वैसे ही रहने दो, मुझे पहले समझ लेना चाहिए था। गलती मेरी ही है, मैं कोई वजह नहीं देना चाहता, लेकिन मैंने अकेला रहना सीख लिया है। मेरे घर में किसी और के लिए कोई भी जगह नहीं है, और ना ही मैं किसी को दुखी करना चाहता हूँ, लिटरली एनीवन अदरवाइज। मेरे बारे में आप क्या सोचते हैं ये नहीं पूछा, मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लीजिए, मेरे दिल में जो था वो बताया, आप यही बोलेंगे ये मैं जानती थी। अब चले हम ऑफिस, चलिए। मेरी आंखों के सामने वो मुझे बदल रही है, मेरी दुनिया को बदल रही थी, वो मुझे पसंद नहीं था। मैं सोच रहा था कि उससे कहीं दूर चला जाऊं, लेकिन मुझसे हो नहीं पाया। हेलो माया, कैसी हो आप? अच्छी हूं। आपने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया? 2 हफ्ते हो चुके हैं। आप यहां मुझसे मिलने आई हैं? मैं यहां किसी और को तो नहीं जानती। ठीक है, चलो। मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही, मैं क्लास नहीं ले पा रही, और सारा गणित भूल रही हूँ। स्कूल में किसी से खुलकर बात नहीं कर पा रही हूँ, भूख नहीं है, नींद नहीं आ रही, इसकी वजह आप है ये बताना था। मैंने सोचा था आपसे नहीं मिलूं, क्योंकि मुझे गिड़गिड़ाना पसंद नहीं, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है, मैं आपको पसंद करती हूँ, मेरे प्यार को अपना लीजिए, बस यही कहने यहां आई थी। और एक बात, आपने उस दिन कहा था कि आप एक नॉर्मल पर्सन हैं। आई एम सॉरी, आप एक नॉर्मल पर्सन नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो आप मेरे प्यार को कभी नहीं ठुकराते। वो जो कह रही है वो सही है, यू आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन। मैं आपसे प्यार करती हूँ, ट्रूली, मैडली। आई एम सॉरी, पर आप नॉर्मल पर्सन नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप मेरे प्यार को ठुकराते नहीं। Okay, see you tomorrow. Bye, Maya. ACP सर, क्या बात है, आप यहाँ किसी से मिलने आए हैं? मैं यहाँ किसी और को नहीं जानता माया,
मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बात कर सकता हूं? आई लव टू। चलो। माया तुम्हें क्या चाहिए? मैं समझी नहीं। मैं ये पूछ रहा हूं कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे आपसे शादी करनी है, आपके साथ जिंदगी बितानी है, आपके साथ रहना है, मुझे आपके साथ मुस्कुराना है, झगड़ा करना है, आपके कंधे पर सर रख कर रोना है, आपके प्रति हमेशा पागल रहना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू। 3 बच्चे होंगे हमारे और वो बच्चे शक्ल और अकल में आपकी तरह होंगे। मैं इन आंखों को हमेशा देखना चाहती हूँ और फिर एक दिन मर जाना चाहती हूँ, यही चाहती हूँ। क्यों? मैं कोई ये जॉली घूमने फिरने वाला लड़का नहीं हूँ। आई एम अ पुलिस ऑफिसर। खतरा मेरे आसपास मंडराता है। तुम्हारी और मेरी उम्र में 6 साल का फासला है माया। Why me? It's a girl thing. आप नहीं समझ पाएंगे, अगर मेरी जगह होते तो समझ जाते। ठीक है, ओके। शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ माया। जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा उसी दिन से, मगर मैंने दिखाया नहीं और इसके आगे छुपा नहीं पाऊंगा। आज से 1 महीने बाद हम शादी कर लेंगे, ओके? उसके पलकों में आंसू और चेहरे पर खुशी। उसने जिस खुशी से मुझे देखा वो मैं कभी भूल नहीं सकता। उसी पल से उसके साथ जिंदगी बिताने का मैंने फैसला कर लिया। एक हफ्ते के बाद श्रीकांत, अरुल, इलामारन और मुझे फिर से क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया गया। गैंगस्टर सेतु की फाइल ओपन कर दी गई और ऑपरेशन सेतु चला। इसके 10 दिन पहले मेरी जिंदगी में पांड्या नाम का शख्स आया। पांड्या सेलम में उसका जन्म हुआ। 19 साल की उम्र में उसने अपने बाप को मारा और वो मुंबई चला गया था। 8 साल के बाद आज उसके सर पर 32 केस रजिस्टर्ड है और महाराष्ट्र पुलिस उसकी तलाश कर रही है। 15 एक्सटॉर्शन, 9 मर्डर, 5 अपहरण, 1 डकैती, 1 बैंक रॉबरी और आखिर में अश्विन नायक नाम के लोकल एमएलए का मर्डर। Hey, हाथ ऊपर कर। पांड्या को अरेस्ट करके मुंबई जेल भेज दिया था। 6 महीने अंदर था, 6 महीने और 90 दिन वो वहां से फरार हुआ और फिर पूरा मुंबई शहर हिल गया था। मुंबई के जेल से फरार हुआ पांड्या सीधा चेन्नई आया। जब सेतु की फाइल रीओपन की गई तो उसकी सारी हिस्ट्री बाहर निकली। उस वक्त हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज के बारे में पता नहीं था कि क्राइम ब्रांच जिस सेतु के भाई को ढूंढ रही है वो मुंबई से फरार गैंगस्टर पांड्या है। यही है अपनी जगह और हमारे आदमी मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं और तेरे लिए भी। पांड्या, जब मुझे पता चला तू जेल में है तो मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपाहिज हो गया था। यहां भी पुलिस ने मामले को गर्म करके रखा है। पुलिस भाई, मुंबई में एक शिंदे नाम का पुलिस ऑफिसर है। जेल में उसने मुझे बहुत मारा। आधे घंटे में उसकी मौत होगी और मौत भी ऐसी कि जिसमें एक खरोच नहीं आएगी। अब तक तो हमारे आदमी पहुंच चुके होंगे। उसके 17 साल के बेटे को उठाकर 2 दिन उसे अपने कब्जे में रखकर शिंदे को रुलाने के बाद उसके बेटे की लाश को पार्सल करके उसके घर भेज देंगे और ये खबर सारे पुलिस वालों को पहुंच जाएगी भाई। फिर हमारा सामना करने से पहले 100 बार सोचेंगे वो। याद रखना मेरी बात। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। यहाँ भी 3-4 पुलिस वाले हैं, उनके साथ ऐसा ही कुछ करेंगे तभी उनको अकल आएगी। ऐसा ही होगा। क्या सेतु भाई, पांड्या भाई आए हैं। जब कोई मिनिस्टर आता है तो बैनर लगा के धूमधाम से जश्न मनाता है, उसी तरह पांड्या भाई का भी एक बैनर लगाते हैं, वो भी कमिश्नर ऑफिस के सामने भाई। hey, पांड्या के लिए मैंने यहाँ बैनर बना रखा है रे। सेतु भाई कमाल है भाई। सेतु भाई, स्कूल के बच्चे को लाइन में खड़े करके फूल देते है ना, उसी तरह पांडे भाई को कुछ देते है। मुझे कोई फूल वूल नहीं चाहिए। यही है उस प्रोड्यूसर का बेटा। तेरा नाम अरुण है क्या? हाँ। अपने शिकार को फंसाने के लिए तुम्हारे पापा ने स्टूडियो बुलाया, चलो। हेलो। हाँ जी। hey, तेरे बेटे को हमने किडनैप किया है। अगर तुझे अपना बेटा जिंदा चाहिए तो 25 लाख का इंतजाम कर। शूटिंग चल रही है इसलिए पैसों का इंतजाम करने में तुझे परेशानी नहीं होगी, समझ गया? मैं एक ही बार बोलूंगा, पुलिस के पास मत जाना वरना यह मामूली अपहरण का केस नहीं रहेगा। सीताराम के पास पैसे हैं या नहीं? बिल्कुल हैं। वो इस वक्त पैसों से खेल रहा है।
वो बहुत अमीर आदमी है। तो फिर हमारी धमकी देने के बाद वो पुलिस स्टेशन में क्यों बैठा है? ए अरुण, तेरा बाप तो तुझसे प्यार करता ही नहीं है। वैसे तेरी उम्र क्या है? 11 साल। भाई लगता है सीताराम को वक्त की नजाकत समझ में नहीं आई। उसे समझा देते हैं। क्या ये? रुको, रुको, रुको। हे भगवान! हेलो सीताराम, है क्या? हे बेवकूफ, हमने एक बार बोला और क्लियर बोला, पुलिस के पास मत जाना, आपस में मांडवली करते हैं। लेकिन तूने सुना नहीं, जिस घर के बाहर तेरा बेटा खेलता था ना, आज उसकी लाश तेरे सामने पड़ी है। क्यों कह रहे ऐसा? ए, कमीनो तुम लोग, कीड़े पड़ेंगे। मेरे बेटे को मार डाला तुम लोगों ने, कमीनो तुम लोग। तुम लोग नहीं जानते हो कि मैं क्या चीज हूँ। बकवास मत कर, सब लोग तेरे घर पे है ना, दुख में रो रहे हैं। है? वो तेरी बेटी शैलवी है ना, वो इस वक्त मातम में शामिल क्यों नहीं है, कभी सोचा क्या तूने? कहाँ है तेरी बेटी? हाँ कहाँ है, बोल बोल ना, कहाँ है बे? शैलवी, शैलवी, तेरी बेटी इस वक्त हमारे पास है। मेरे साथी उसे देख के तड़प रहे हैं। सीताराम, 30 लाख देकर उसे ले जा, पुलिस नहीं वरना एक और पार्सल तेरे घर में पहुंच जाएगा। 30 बंडल है, 1000 के नोट है भाई, सब 100-100 नोटों के बंडल में है। भाई अगर ये काम उसने पहले किया होता तो लड़के को मारने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी लड़की को उठाने के बाद ही उसकी अकल ठिकाने आई है भाई। सिंपल बट पावरफुल भाई। लड़की खूबसूरत है ना? उसकी लड़की के साथ एंजॉय करने के लिए हमारे आदमी तड़प रहे हैं, लेकिन लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, लड़की की मर्जी शामिल होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। मैंने अपने आदमियों से कह दिया कि शराब पियो और जाके सो जाओ, सबके सब साले नाराज हो गए, बोलने लगे मैं तो अलग किस्म का इंसान हूँ। हाँ। लेकिन सेतु भाई, इस शहर पे हमें राज करना है। अपराध जंगल की आग की तरह फैलने लगा था, पूरा शहर दहशत में था। सेतु 3 महीने में 6 लोगों का अपहरण कर चुका था, 4 डकैती, 13 मर्डर्स और 11 लोगों को लूटा था। गाड़ी कैसी है रे? एकदम मस्त भाई, जेट की तरह उड़ रही है। कहीं उड़ मत जाना, नंबर अच्छा है। तब तक डिपार्टमेंट को पता नहीं था कि सेतु के पीछे पांड्या का हाथ है, उसकी प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। ये पूरा शहर अपना है, ताम्बरम से लेकर एनूर तक सब तरफ हम ही हम है। पांड्या, अच्छा हुआ तू आ गया, पियो। पियो। सेतु पर हमने निशाना साधा और उसे खत्म करने का हमने प्लान बनाया। hey, चल चल जाते हैं, चिंता मत कर। सेतु भाई, मैंने बोला ना आपको बहुत ज्यादा बुखार है, लापरवाही करोगे तो मौत कंफर्म है। hey, पूरे शहर में पुलिस को जिसकी तलाश है वो मैं हूँ, ये बुखार मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। मेरी बात तो आप मानोगे नहीं। hey, चल रही गाड़ी निकाल। वासु सेठ, सेतु त्रिशूलम स्टेशन नहीं चाहिए, सिंगल पट्टू रेलवे स्टेशन, सीधा अंदर आ जाना, वो भी 1 घंटे के अंदर, अकेले आना, समझा? श्री, हम लोग एयर पे असेंबल हो गए, इन्फॉर्मेशन करेक्ट है ना? इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, त्रिशूलम स्टेशन पे नहीं, वही इस स्टेशन पे मीट करने वाले हैं। वासु सेठ तो आग भी गए। आई थिंक वी शुड टेक पोजीशंस। पुलिस,
सतो ऐसे तो फंस गया ना, फंस गया ना अनु, तू यही चाहता था ना? बिल्कुल। अब इसका क्या करना है? जैसे फिल्मों में हथकड़ी पहनाकर घसीट कर ले जाते हैं वैसे नहीं, क्या? इसे यही खत्म कर देते हैं अंबू, इसे यही खत्म कर दे। ऐसे तू, हमने तुझे चेतावनी दी थी ना कि तू अपने गांव चला जा, लेकिन तूने सुना नहीं। ले अब मार, इसे जेल में डाल देते हैं, कुछ लोगों का नाम उगलेगा उसे भी उठाते हैं। इसके पीछे बड़े बड़े लोगों का नाम छुपा है। किसे चाहिए चार पांच बड़े लोगों का नाम? अरुल, इसे पूछिए किसी भगवान को मानता है तो प्रार्थना करने के लिए बोल दे। देखने में तो ऐसा ही लग रहा है, अपनी आंखें बंद करने के लिए बोल इसे, इसे जिंदा छोड़ने का मन नहीं कर रहा है मेरा। से तो डर लग रहा है, अगर डर होता तो तूतुकुड़ी में आने की हिम्मत नहीं करता। सेतु, 3 साल से पूरे शहर को हिलाकर रखने वाला दादा, डिपार्टमेंट की रात की नींद उड़ाने वाला एक देशद्रोही, अब नहीं रहा। मुझे बहुत गर्व है, मैंने जिस तरह से उसे मारा उसका मुझे जरा भी पछतावा नहीं है। बस उस वक्त मेरे जहन में यह खुशी थी कि अब शहर शांत रहेगा, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। चलो पांड्या भाई, चलो यहां से, चलो। उस वक्त पांड्या नाम का कोई है यह मुझे पता नहीं था। पांड्या, ये क्या हो गया पांड्या? तो एक बार बोल पांड्या, हम तेरे हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। वासु सेठ अभी कहां पे है? उसे बाद में ढूंढ लेंगे। वासु सेठ से ही पुलिस वालों ने सारी इंफॉर्मेशन ली। सेतु भाई ने उसे हल्के में लेकर गलती कर दी। वो पहले से ही हमारे नाम से नहीं डरता था, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, यही बात हम नहीं समझ पाए। वासु सेठ को मारना होगा, उसके पूरे परिवार को मारना होगा। हाँ, खत्म कर देते, खत्म कर देते उसे। सेतु भाई की मौत का बदला लेना होगा, बदला। इतना खौफ पैदा करो कि पुलिस वाले डर से कांप उठे। एक भयानक हादसा प्लान करो, कल सुबह अपनी पूरी टीम के साथ तैयार हो जाओ। हर जगह हमारे आदमी होने चाहिए। अनु सेल्वन के घर में जो कोई भी मिले, माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चे, कोई भी बचने न पाए। सेतु भाई का बदला लूंगा, मारूंगा उन्हें, उसे तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। तुम लोग ये काम करोगे कि नहीं करोगे, जल्दी बोलो। करेंगे पांड्या, पक्का करेंगे पांड्या। पांड्या, उसका अपना कोई नहीं है, अनु सेल्वन अकेला इंसान है, लेकिन उसके लोगों को मार सकते हैं। वो एक टीम है, अनबू सेल्वन, अरुल, इलामारन, श्रीकांत, ये हमेशा एक साथ ही रहते हैं, हम उनको मार सकते हैं। नहीं, कर सकते पांड्या, बिल्कुल करेंगे। मैंने देखा उसको, एक लड़की भी उसके साथ, एक दिन कमिश्नर ऑफिस के सामने बात कर रहे थे दोनों, मैंने देखा। पक्का बोलता हूँ, गर्लफ्रेंड है उसकी वो। Sorry, पिछले हफ्ते थोड़ा बिजी था। मुझे अखबार से पता चला, अभी फ्री हुए ना? टोटली। दिस इज स्वाति। हाय। हेलो श्रीकांत। हेलो। हेलो। हेलो, पांड्या को फोन कर। ये मेरा हाइड आउट है, मैं यहाँ एक्चुअली किसी को बुलाता नहीं हूँ, मुझे यहाँ अकेले रहना पसंद है। अभी तुम्हारे लिए ये रूल्स मुझे बदलना होगा, बदल लूंगा, नहीं
मैंने बदल दिया। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? यहाँ कर्टन और खिड़कियों को मैं खुलता नहीं हूँ, मुझे अंधेरा पसंद है। अब अच्छा लग रहा है, ऐसे रहना चाहिए मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन ऐसे रहेंगे तो अच्छा होगा। आज के बाद आपकी लाइफ कलरफुल होगी। यहां पर बैठते ना। Hey! बासु! कहाँ है बे? कमीने! सेतु को धोखा दिया तूने? इतने दिनों से सेतु से जिंदगी की भीख मांग रहा था, भूल गया तू? बासु से तुझे माफी नहीं मिलेगी, तेरा पूरा परिवार तेरी आंखों के सामने मरेगा और तू ये देख देख के तड़पेगा। ए! मारने तड़पा तड़पा के मार सबको, काट दे, काट दे सबको। हमारे स्कूल में बच्चों को इजीली एडमिशन मिल जाएगा, पहले से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डोनेशन भी नहीं लगेगा, लाइन में भी खड़े नहीं रहना पड़ेगा। और क्या? मैं क्वालिफाइड मैथमेटिशियन हूँ, कुल मिलाकर मैथ्स में अव्वल, तो हमारे बच्चों को मैथ्स के लिए ट्यूशन बाहर नहीं लेना पड़ेगा और आपको भी पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप नहीं पढ़ा पाएंगे ये मुझे पता है, इसलिए मैं सब देख लूंगी। मैथ्स बहुत जरूरी है ना? और मैं अच्छा गाना भी गा लेती हूँ, क्लासिकल म्यूजिक सिखा है मैंने, गिटार भी बजा लेती हूँ। सच में? और क्या? बचपन में बहुत मोटी थी, लेकिन डाइट और एक्सरसाइज से पतली हो गई। पतली हो गई? हाँ पतली, अगर डाइट छोड़ दूंगी ना तो फिर से पहले जैसी मोटी हो जाऊंगी। मैं सच कह रही हूँ, बहुत मोटी थी मैं। तुम कहाँ थी इतने दिनों तक? मैं यहीं थी, बस आपने देखा नहीं मुझे। मन कर रहा है आज से ही तुम्हारे साथ जिंदगी शुरू करूं। हेलो अनमू, अरुल बोल रहा हूँ। अनमू, बासु सेठ के घर में घुस के पूरे परिवार को खत्म कर दिया है, बहुत ही खतरनाक तरीके से मारा उनको, देखा नहीं जा रहा है। दिस प्लेस आर ब्लडी, वहीं से बात कर रहा हूँ मैं, 5 लोगों को मारा है और वासु सेठ को घायल करके छोड़ दिया है उन लोगों ने। कौन है वो? सेतु के ही आदमी लग रहा है, वासु को दूसरी जगह पे रखा था, उस जगह पे घुसकर उन लोगों ने मारा है। इस जगह के बारे में उन्हें कैसे पता चला? मुझे लगता है डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन लीक हुई है। नो वे, नो वे। ठीक है, आई कॉल यू बैक। ओके। हेलो अनमोल सेल्वन। या कौन है? हे तू क्या है रे, अपने आप को बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर समझता है? कौन है तू? तेरा नाम बता। बासु की खबर सुनी क्या तूने? उसके दीवार पर लगे खून के धब्बे को मिटाने के लिए कम से कम 3 महीने लगेंगे। तूने बहुत बड़ी गलती की, तूने हमारे सेतु को मारा ना, तुझे उसका जवाब देना पड़ेगा। गिन गिन के बदला लूंगा तुझसे। मुद्दे पे आ जा। ए, जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुन, तू डरेगा रोएगा रे, तुझे दर्द का एहसास होगा, देखेगा क्या, तुझे पछतावा होगा कि तूने पुलिस की नौकरी ज्वाइन क्यों की। अभी जो लड़की तेरे घर में साथ बैठी है वो तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? बोल ना बे, बहुत खूबसूरत लग रही है। तेरी आंखों के सामने उठा के ले जाऊंगा उसे, घुमाऊंगा फिराऊंगा और इस्तेमाल करके तेरे घर के सामने फेंक दूंगा, समझा क्या? और सेतु को मारते वक्त जो पुलिस वाले तेरे साथ थे ना, उन्हें भी खत्म करूंगा, याद रखना मेरी बात। ये तुझे मैं चैलेंज दे रहा हूँ बे, आज अगर मैं चाहता ना तो तुझे और तेरे साथियों को उस ऑफिस में ही खत्म कर सकता था, लेकिन उसमें मजा नहीं आता। ऐसे भी मेरी बात सुन, तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, 2 से 3 दिनों के अंदर या हो सकता है कल का सूरज निकलने से पहले तुम सब मरोगे, याद रखना। एनी प्रॉब्लम? नो। सिल्वराज सर, किसी और काम करने के बहाने बाहर जाकर देखो कि कोई अपने एरिया में खड़ा है क्या। क्यों सर,
आसपास जाकर देखो कोई मंडरा रहा है क्या। ठीक है सर। कोई नहीं सर, बस एक ऑटो खड़ी है। ऑटो? हाँ सर, इस गली के कॉर्नर पर है। क्यों सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? फोन पर एक धमकी मिली है, तुम दोनों यहीं पर खड़े रहो। ओके सर। अलर्ट रहना। सर क्या चल रहा है यहाँ पर? सॉरी माया, एक छोटा सा काम है, जाना पड़ेगा। ओके, मैं घर जाती हूँ। नहीं नहीं, तुम घर मत जाओ, मेरे साथ आओ, तुम्हें एक जगह पे ले चलता हूँ। हेलो कंट्रोल रूम, मैं अंबू सेल्वन बोल रहा हूँ। हाँ तिलगन, मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। आपके 5 लड़के मुझे तुरंत ही मेरे घर के पास चाहिए। आप ऑटो से आने के लिए बोलो, पुलिस वैन में नहीं। मेरे घर के 2 गली के पार कामराज स्टेट है, वहाँ लेफ्ट साइड में पार्क करके अपार्टमेंट में मेरा वेट करने के लिए बोलना। सारे लड़कों को वेपन्स के साथ आने के लिए बोलना, मैंने कमिश्नर को इन्फॉर्म कर दिया है। ओके हुँ? आप ऐसे ही घर से बाहर निकलते हैं क्या? कभी कभार, चलो संभल के नीचे संभल के। एक मिनट माया, यहीं खड़ी रहो। भारती, भारती, सर भारती जरा बाहर जाना है। ऐसा क्या सर, गाड़ी में बैठिए, मैं छोड़ देता हूं आपको। आइए सर। भारती। हाँ माया। नमस्ते। मैं से शादी करने वाला हूँ। शादी? आपने बताया नहीं सर, अच्छी बात है सर। अपने श्रीकांत के घर पे चलो। ठीक है सर। हेलो, हाँ श्रीकांत, मैं अनबू बात कर रहा हूँ, तू घर पे ही है ना? ठीक है, मैं माया को लेकर घर पे आ रहा हूँ। अरुल सब कहाँ पर है? बोल पांड्या। अंदर ही है ना वो? हाँ पांड्या। और वो लड़की? उसके साथ ही है अंदर। सिक्योरिटी के लिए बाहर कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, कॉन्स्टेबल्स। दूसरी कोई सिक्योरिटी, पुलिस, पुलिस की वैन, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी उसे मार सकते हैं क्या? शायद मार सकते हैं। अबे तेरी तो जो पूछा वो बोल, मार सकते हैं या नहीं? मार सकते हैं पांड्या। अगर वो कहीं बाहर जा रहा है तो उसके पीछे जा और मुझे फोन कर, मैं आ रहा हूँ 20 मिनट में। पुलिस वालों की जिंदगी में ये धमकी वगैरह कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन वो कोरी धमकी नहीं थी, ऐसा मेरा दिल कह रहा था। वो कौन है मुझे पता नहीं, उसने वासु सेठ को मार डाला, उसका अगला निशाना माया है और उसके जरिए वो मुझे। मुझे लगा कि वो उसी रात मेरे घर पर हमला करेगा और बदले में मैं भी वार करने के लिए तैयार था। हाय। हाय। कम। हाय। प्लीज हाय। कम कम। कम। आइए ना अंदर। स्वाति। हाँ? 1 घंटे में आते हैं। नो प्रॉब्लम। तुम्हारे बारे में माया को बहुत कुछ बताना है, आराम से आओ। अनबू। कौन है वो? वो कौन है मुझे तो नहीं पता, सीधू का कोई खास लगता है, उसकी आवाज में बदले की आग थी। स्वाति और हम लोग ऑफिस में थे, ये उसको अच्छी तरह से पता था। आज पूरा दिन उसने मुझे फॉलो किया, उसके आदमी मेरे घर के बाहर ऑटो में बैठकर वॉच कर रहे थे, मुझे पता है। उसने कहा था कि वो माया को उठाएगा, माया को, तुम लोगों को, उसके बाद मुझे। आज रात को पक्का अटैक होने वाला है, वो कौन है मुझे देखना है। अपने 5 लड़कों को मैंने बुलाया है, हम 4 लोग बस है ना? ठीक है, देख ले। अगर वो नहीं आया तो? वो पक्का आएगा, लेट्स गिव हिम अ सरप्राइज। बॉयज, रफिक एंड एंथनी, सॉरी गाइज, आपकी नींद खराब कर दी। कोई बात नहीं सर। ओके, एक अच्छा एक्शन ब्लॉक हो सकता है या कुछ ना हो, ऐसा भी हो सकता है, और अगर कुछ नहीं हुआ तो मुझे माफ करना, एक्शन ब्लॉक हुआ तो एंजॉय करो। ओके, दिस इज द प्लान।
मैंने बोला था ना वो आएगा। गो। जिंदा है क्या? जाकर देख जरा। अड्डा पेट्रोल वार्ड, अनु सेल्वन हियर, चेन्नई के करीब अटियाल ब्रिज, तुरंत सभी एंटर करो। ओह शिट, मारुति वैन में वो लोग रॉन्ग साइड से जा रहे हैं। अटियाल फ्लाईओवर, उस तरफ तुम लोग हो क्या? रिप्लाई करो। ए पुलिस, तेरी सारी गोलियां खत्म हो गई क्या बे? आजा, देखते हैं किसमें कितना दम है। आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तेरे मरने के बाद वो लड़की जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी। आजा ना। मैं कौन हूँ तू जानता है? पांड्या, नाम तो सुना ही होगा। महाराष्ट्र पुलिस का रिकॉर्ड जाके खंगाल, तमिलनाडु पुलिस की बैंड बजा चुका हूँ, क्या करेगा बे? तेरी मौत तेरे करीब है, अब मरेगा तू। मैं उस लड़की को उठा के ले जाऊंगा। ए अनबू सर्वम, जब उसकी हालत देखेगा ना तो मौत की भीख मांगेगा बे तू। Huh?
सर वो ठीक है लेकिन सर थोड़ी देर पहले मुंबई क्राइम ब्रांच से आया हुआ इन्फॉर्मेशन फैक्ट सही है। पांड्या कॉन्ट्रैक्ट किलर गैंगस्टर आज की तारीख में मुंबई पुलिस की फाइल में इसके ऊपर 32 केसेस हैं। एक्सटॉर्शन जमीन को हड़पना किडनैपिंग मर्डर 6 महीने इसको जेल में रखा था। 3 महीने पहले पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया था। ये वही है हॉस्पिटल से पांड्या। मुझे याद आया 1 आवर पहले मैंने जेसीपी गणेशन से बात की थी सेलम नॉर्थ और 5 मिनट पहले फोन पर आई इन्फॉर्मेशन हमने जिस सेतु को गोली मारी थी उसका गांव है आतुर सेलम के करीब 48 किलोमीटर की दूरी पर। उसकी माँ एक प्रोस्टिट्यूट है उसका बाप दलाल है ये बात हम सबको पता है लेकिन हमें जो पता नहीं है वो जेसीपी साहब ने हमें बताई। ये लगभग 11 साल पहले की घटना है। उस समय सेतु तूतुकुड़ी में छोटे लेवल का गुंडा था उम्र 24 साल। उसका एक सगा भाई है जो अपने माँ बाप के साथ गाँव में रहता था। एक दिन वो लड़का अपने बाप को मारकर वहां से भाग गया। उसके बाद उस लड़के के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। उस लड़के का नाम है पांडियन। सर मुंबई पुलिस जिस पांड्या की तलाश कर रही है जिससे तो को हमने गोली मारी है उसका सगा भाई पांड्या वहां पुलिस की कस्टडी से फरार होकर मद्रास में 3 महीने रहा है। जब हमने सेतु का एनकाउंटर किया था उसी वक्त पांड्या भी उसके साथ था। सो इसका मतलब ये हुआ कि वो सेतु का बदला लेना चाहता है। सिंपल। मैं हिफाजत के लिए अभी सिक्योरिटी गार्ड का इंतजाम करता हूँ। इस बारे में तुम मुझे एक लेटर लिख कर दो। माया को इस प्रॉब्लम के बारे में पता है क्या? नहीं सर। तुम लोग पूरी तरह सतर्क रहो। ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं। तुम लोगों के लिए एडिशनल सिक्योरिटी फोर्स का इंतजाम करता हूँ। वो तुम्हारी काउंटर फर्जी की वजह से जख्मी जानवर बन गया होगा। अगर इस नजरिए से सोचोगे तब ऐसा करेगा वो। पांड्या बोलो कहाँ रहते हैं मेरे को पता है। जे टोल श्रीराम स्ट्रीट 752 फोन नंबर 371-2646 मेरे को पता है वो लोग वही है। चल चल जल्दी चलते हैं। इज नॉट अ पेशेंस गाइस सर। वो एक जुनून के साथ आएगा। अगर वो मारना चाहता है तो कहीं से भी मार सकता है कभी भी। सॉरी यार तुम सोई थी क्या? आप भी गए क्या? ये तो पसीना है। अनबू मैं सोने जा रहा हूँ सुबह बात करते हैं। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। या श्योर। स्वाति स्वाति माया कहाँ है? ऊपर रूम में सो रही है। इज एवरीथिंग ओके? आधी नींद में खड़ी हो जाके सो जाओ स्वाति। माया को लेकर मैं सुबह जल्दी चला जाऊंगा। श्रीकांत को मुझे सवेरे फोन करने के लिए बोलना। मैं यहाँ इस सोफे पे सो जाता हूँ। तुम्हें यहाँ सोने की जरूरत नहीं। इस सोफे पर सोना किसी को पसंद नहीं। तुम माया के रूम में जाओ। बड़ा बेड है साइड में सो जाना। जाओ एसी भी सर। कहाँ जा रहे हैं? सॉरी माया जगा दिया क्या? मैं तो सोई नहीं थी। ओह ओके तुम सो जाओ माया मैं नीचे जाकर सो जाता हूँ। सुबह 4 बजे हमें यहाँ से निकलना है। मैं आकर तुम्हें जगा दूंगा यही बताने के लिए आया था। गुड नाइट। कहाँ जा रहे हैं? बैठिए ना कुछ देर बात करते हैं। जिस काम से गए थे वो हो गया सक्सेसफुल? बैठिए ना। नींद नहीं आ रही है। बोले क्या हुआ? माया एक प्रॉब्लम है। तुम्हारी जान को खतरा है मेरी वजह से मेरे काम की वजह से। वो कौन है उसके बारे में हम पूछताछ कर रहे हैं। तब तक तुम सुरक्षित जगह पर रहोगी तो मैं कंफर्टेबल फील करूंगा। हम सुबह जल्दी से जाकर आपके कंधे से ज्यादा और कोई सुरक्षित जगह मेरे लिए नहीं हो सकती। आई विद यू। माया सीरियस बात है। तुम्हें खतरा है थोड़ा संभल कर रहना। सुबह होने के पहले निकलना है। तुम सो जाओ। एसी भी सर जब आप हैं तो मुझे कैसा खतरा? आप लोगों को मारकर मुझे नहीं बचाएंगे? कोई एसिड फेंकता है तो आप इतनी हिम्मत दिखाते हैं? दुश्मन को ही खतरा है माया। ऑफिसर
मेरी उम्र पता है आपको? 24। पता है क्यों पूछा? क्यों? इस किस के लिए 24 साल इंतजार किया है, अब मैं एक सेकंड भी वेट नहीं कर सकती। What are you doing to me, Maya? मेरे घर में, मेरे साथ तुम रहो। I need you. एक महीने पहले कहा था तुम नहीं चाहिए, आज कह रहे हैं तुम चाहिए। पुलिस वाले ऐसे ही होते हैं क्या? जब तुम लोगों ने सेतु को मारा था तो बहुत हंस रहे थे ना? अब हंस के दिखा, जो पूछता हूँ वो बता। उस लड़की को कहाँ रखा है? और तेरे साथ जो ऑफिसर रहते हैं उसका घर कहाँ है रे? अगर नहीं बताया तो जान से मार दूंगा। एक मामूली लड़की और अपने 3 फ्रेंड्स की वजह से तू अपनी जान मत गवा, बता। नींद नहीं आ रही है क्या? 4 बज गए, अब कैसा सोना? 5 बजे कहीं जाना है आप कह रहे थे ना, कहाँ जाना है? स्कूल है? मैं जब तक ना बोलूं तब तक स्कूल वगैरह। नो नो वे, 1 सेकंड। पुलिस को इतना मामूली समझ रहा है, सीधे पुलिस के घर में घुसकर सीधे पुलिस वाले को ही शूट कर दिया जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट। कितनी हिम्मत है उसमें। इला को मारना नहीं चाहिए था सर। सेतु को जो हमने मारा ये सब उसी की वजह से हुआ है। हमें जो काम दिया गया था हमने वही किया ना सर, ये कोई गुनाह है क्या? आई फील रिस्पॉन्सिबल। उसे मारना है सर, उसको मारना ही होगा। ऐसा ही होगा, लेकिन अब हमारी साइड से किसी की भी जान नहीं जाएगी। सेफ्टी फर्स्ट। अब हमें कल इला मारन का दाह संस्कार करना है। माया, कुछ दिनों के लिए मैं स्कूल में इन्फॉर्म कर देता हूं, फिक्र मत करो। स्कूल फाइल से तुम्हारा एड्रेस डिटेल सब ब्लैकआउट कर दूंगा, ओके? थोड़े दिनों बाद मैं वहां पर आ जाऊंगा, लौटते वक्त तुम्हें वापस ले जाऊंगा। स्वाति? स्वाति को पूना भेज रहे हैं, उसका भाई वहां रहता है, वो एयरपोर्ट पहुंच गए होंगे। माया, फिलहाल अपनी दीदी को कुछ मत बताना, वो डर जाएगी। माया, राजा, गाड़ी कहीं मत रोकना। माया, मैं आ जाऊंगा, ओके? चलो बाय। बॉस भाई, पुलिस, पुलिस! डाई! Oh,
पेंचाकू कनन इसका नाम है, सेतु का आदमी है। अच्छा नाम है। पांड्या कहाँ है? मैं नहीं जानता हूँ, मुझे अरेस्ट कर लो, मैं सरकारी गवाह बन जाऊंगा। अबे जा बे। पांड्या, मेरे मेरे भाई को मार दिया उन लोगों ने। बॉस, मेरे भाई को मार दिया। ठीक है, हाँ मैं समझ रहा हूँ। अंदर लेके जा, इसको लेके जा। फोन दे। छोड़ मेरे। क्या हुआ? बोल रहा था कुछ बात करनी है। वही तो बात कर लिया ना दोपहर में, मैंने कहा था ना कि पांडिचेरी जाना है, बस इतना ही। वही तो, लेकिन अचानक क्यों? सिचुएशन अभी ठीक नहीं है और माया को गए हुए अभी 3 दिन ही हुए हैं, फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? यही बात करने के लिए यहाँ चला आया। उसे वहाँ भेजकर मैं यहाँ हिजड़ी की तरह खामोश नहीं बैठ सकता श्रीकांत। मैंने बहुत सोच समझ कर एक फैसला लिया है, माया से मैं शादी करने वाला हूँ कल ही, और फिर मैं वहाँ 3 दिन उसके साथ रहकर उसे यहाँ लाने वाला हूँ। वो कहीं और रहे, इससे अच्छा मेरे ही घर में मेरे ही साथ रहेगी तो ये अच्छा रहेगा ना। शादी मतलब कहाँ? पता नहीं, उनके घर में या किसी मंदिर में, वहाँ जाकर उसकी दीदी से बात करने के बाद ही पता चलेगा। मैं वहाँ पहुँचने के बाद कल मैं तुम्हें फ़ोन करके बताता हूँ। तूने फैसला कर लिया है? या अभी मैंने अरुल को भी इस बारे में बताया, तुम्हें फ़ोन लगा ही रहा था कि इतने में तुम आ गए। शादी में हमारी ज़रूरत नहीं है क्या? नहीं श्री, हम सबको एक साथ इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है, सबको पता चलेगा, इट्स टू रिस्की। हम वापस आते हैं, विल हैव गेट टुगेदर। स्वाति का नंबर क्या है, मैं उसको फोन करके बताता हूँ। वो अपने फ्रेंड के घर पे रह रही है, वहाँ फोन कनेक्शन नहीं है। ओह, उसको बताने की सोच रहा था लेकिन ना बताऊं तो वो मुझे फोन करेगी, मैं उसको बता दूंगा। तू कब निकल रहा है? कल सुबह अर्ली मॉर्निंग। वहां पहुंचने के बाद मुझे फोन करना। आ जाओ बैठ जाओ। क्या हुआ तुम्हें, तबीयत ठीक नहीं है? आई एम फाइन। You wanna drink? हाँ ले सकता हूँ, बैठ जाओ। ए, ये इलाके लिए। इलाके लिए? अगले दिन माया और मेरी शादी हो गई। उसके घर में हमारे खिलाफ कोई भी नहीं था, मैंने जो अब तक देखा था उन्हीं की तरह हमारी शादी भी बहुत ही खूबसूरत थी। शादी हो गई दोपहर में 2 बजे। हे कांग्रेट्स यार, उसको भी मेरी तरफ से बधाई दे देना। अच्छा तू अभी कहाँ पे है? घर पे है? नहीं, उनकी एक प्रॉपर्टी है पौंडीचेरी से 50 किलोमीटर की दूरी पर, चिदंबरम के रास्ते में एक बाईपास है, एक वुड हाउस लेक के ऊपर बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है, और यहीं पर हमारी सुहागरात भी है। कल शाम तक मैं वहाँ पर आ जाऊँगा और परसों वहाँ से निकल जाऊँगा उसको लेकर। तू फिक्र मत कर, तेरे आने के बाद सब देख लेते हैं। स्वाति ने मुझे फोन नहीं किया श्री, मिस्ड ऑल यू गाइस, सब लोग साथ होते तो बहुत अच्छा लगता। हाँ, उसने मुझे भी फोन किया था, तुम्हें भी फोन करेगी, अपना मोबाइल ऑन रखना। ओके ओके, चल यार बाय। टेक केयर, बाय। मैं
आप खुश तो है ना? क्यों? देखने से तो नहीं लग रहा, टेंस लग रहा है, आंखों में दुख, इलम आ रहा है। अच्छा फ्रेंड था, बट दैट्स ओके, तुम कोई फिक्र मत करो, तुम बस खुश रहो, यही तुम्हारी ख्वाहिश थी ना? मैं तो बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ बताना है, हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, हम कैसे रहेंगे, लेकिन एक रात काफी नहीं, इतनी सारी बातों के लिए टाइम चाहिए इसी भी। बोलो ना। बोलती हूँ, आंखें बंद कीजिए। ठीक है, मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ। क्या कह रही हो? एए, क्या ये? एक या दो ख्वाहिशें बताने के लिए एक रात काफी है क्या? बोलो। अनबु सेल्वन, ऑफिसर, अनबु, मैं आऊंगा बोला था ना तुझे, मैं आऊंगा बोला था ना। इसे काट के नदी में फेंक दे, उसी दिन ही मर जाना चाहिए था इसे। मार डाल इसे, मार डाल इसे, छोटा नहीं है। माया, ए तू चुप रह रे। क्या है तू? हीरो बनता है क्या? आज के बाद ये मेरे साथ रहेगी, देखेगा तू, देखेगा तेरी तो। खेल खत्म, अनबु सेल्वम, लेके चल इसे। मेरे लिए मेरी खाकी वर्दी सब कुछ था, आज उसने मुझसे कीमत मांगी माया के रूप में, वो लोग उसको लेकर चले गए, सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मुझे मरना नहीं है, माया को बचाना है, मेरी माया को मुझे बचाना है। अनबु, 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 अरुल ये जिंदा है, टाइम जिंदा है, अरुल ये जिंदा है, चारे चा, अनबु, 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 इसे उठा ना, उठा, उठा, आता, आता, माया का है, तू जाके ढूंढ, घर के अंदर जाके देख। Thank you.
ए! अरे तुझे छूना नहीं है क्या? ठीक है, तू ऐसे ही चल चल। ठीक है, नहीं तू नॉर्थ इंडियन है क्या? तेरा गांव कौन सा है? तू तमिल भाई लड़की नहीं लग रही। तेरा कलर, तेरे बालों का रंग क्या मस्त है रे। तेरी तो छे, तू झूठी है, इसीलिए मैं रुक रहा हूं। कल रात को तेरी सुहागरात थी ना? अच्छा था, ठीक है, तुझे पहनने की जरूरत नहीं है, तुझे इसकी जरूरत नहीं, निकाल दे इसे, उतार दे इस मंगलसूत्र को, आज के बाद तुझे इसकी जरूरत पड़ेगी भी नहीं। अब तक वो पानी के अंदर मर भी चुका होगा, क्या हुआ बता? वो चारों बहुत हिम्मत दिखा रहे थे ना, हाथों में बंदूक थी तो किसी को ही मार देते। उन्हें वो सबक सिखाया कि पुलिस वाले की रूह कांप जाएगी। कल का अखबार पढ़ने वाला कोई पुलिस वाला खुद को कभी पुलिस वाला बोलेगा क्या? यही, सिर्फ एक चुटकी बजाने से खत्म, समझी ना? यही है जिंदगी सबके लिए, अनवु सेल्वम की भी। कमीना साला। सिस्टर, डॉक्टर को बुलाओ। कौन सा हॉस्पिटल है ये? पांडिचेरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। कितने दिन हो गए? कई दिनों से आप यहाँ पर हैं। आप शांत हो जाइए प्लीज। सर, सर, सर। नर्स, बेहोशी का इंजेक्शन दो। मुझे ये सब बंद कीजिए। रिलैक्स हो जाइए। मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। I'm okay. I have to go. मुझे यहाँ से जाना है। I'm ACP Anbu Selvan, Assistant Commissioner of Police, Crime Branch. ACP Arun को बुलाओ। Phone number 98410-65486. Call him. Call him. बुलाओ अरुण को। सर, अरुण। अनबो, कुछ नहीं होगा, मेरी बात मानो। सब लोग बाहर जाओ, मुझे बात करनी है। बाहर जाओ सब लोग, जाओ यहां से। अनबो प्लीज स्ट्रेस मत लो, लेट जा, लेट जा, मैंने बोला ना। क्यों श्रीकांत, स्वाति नहीं आई? अनबू, मैंने तुझसे झूठ बोला, अपने काम के साथ भी गद्दारी की। उस वक्त समझ में नहीं आया कि क्या करूं। वो लोग स्वाति को उठा के ले गए, वो उनके हाथ कैसे लगी मालूम नहीं। एयरपोर्ट तक तो मैं खुद छोड़ के आया था, उन लोगों ने मुझे बुलाया और मेरे आंखों के सामने ही उन्होंने, अगर उनकी बात नहीं मानता तो उसकी गर्दन काट डालते। नो प्लीज, पांडे उसे छोड़ दे। जब पूछता हूं बोल, तू जो चाहेगा मैं करूंगा। उस वक्त मैंने किसी की परवाह नहीं की। उन लोगों ने मेरे शर्ट में माइक रखकर तुम्हारे घर भेजा था और हमने जो भी बात की वो उन लोगों ने सुन ली थी। तुम्हारी गन भी मैंने ही बदली थी और उसके अंदर की गोलियां भी निकाल दी थी। जिस दिन तुम्हारी शादी हुई थी उस रात को तू कहां पे है ये मैंने ही उन्हें बताया था। पूरी रात वो लोग मेरे घर पे ही थे। एक घंटे के बाद उन्होंने स्वाति से मेरी बात करवाई। अचानक सुबह 4 बजे वो लोग निकल गए, तब मेरी अकल ठिकाने आई। फिर मैंने अरुण को बुलाकर सारी सच्चाई बताई। तू जहां था वहां के लिए हम लोग तुरंत निकले और कमिश्नर को इन्फॉर्म किया, और रास्ते में तुझे फोन भी कर रहा था लेकिन तेरा फोन बजता रहा, और हमारे पहुंचने तक
श्री क्या कर रहा है तू? श्री क्या ये सब? मुझे माफ करना अनबू, एक इंसान और पुलिस होने के नाते मैं हार गया यार। तुझे पता है मेरी स्वाति मुझे कभी माफ नहीं करेगी। शूट मी अनबू, जस्ट शूट मी डाउन। कुछ भी गलत नहीं होगा, जस्ट शूट मी डाउन। वो सिर्फ तेरी स्वाति नहीं थी श्री, वो हमारी स्वाति थी। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, आप जो बोलोगे मैं करूंगी। ठीक, तो मुझे नहीं चाहिए। लड़के लोग काफी दिनों से भूखे हैं, उनको चाहिए। दो तीन लोग हैं, क्या जाएगी क्या? हाँ बोल, बोलना पांड्या। क्या रे बॉस? पांड्या, अनबू सेल्वम जिंदा है, पौंडीचेरी के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहां वो बच गया। एसीपी अरुल, इस मेम साहब का पति कमिश्नर और बहुत सारे पुलिस वाले वहां पे, सब लोग वहीं जुटे हैं भाई। हेलो कमिश्नर विजय मेनन, मैं पांड्या बोल रहा हूँ, अनु सेल्वम से बात करनी है। अबे अनबू बात कर, अनबू सेलून से बात कर, कर। पांड्या, पांड्या, अनबू, अनबू, माया, माया, माया कहाँ हो तुम? अनबू, माया, माया तुम्हें सुनाई दे रहा है? माया, माया, I'm sorry माया, माया कुछ नहीं हुआ, तुम डरो मत माया, माया मैं आऊँगा। हाँ ठीक है, नहीं, नहीं, हेलो अनबू, माया, हेलो, हेलो, अनबू सेलवम, मैंने सोचा था तू मर गया, सब कुछ खत्म हो गया। तेरी बीवी को तो मैंने मंगलसूत्र निकाल के फेंकने के लिए बोल दिया, लेकिन फिर भी तू जिंदा बच गया। ठीक है, तो अभी एक फैसला करते हैं। मद्रास से ठीक 150 किलोमीटर दूर पार करके आंध्रा हाईवे पे सम्मासिरन नाम की एक जगह है, तू वहाँ पे आ और इसे ले करके जा। और एक बात, तेरे साथ जो दो पुलिस वाले रहते हैं ना, उन कुत्तों को भी साथ लेके आना, समझ गया ना तू? और पुलिस डिपार्टमेंट में जितने हथियार होते सबको लेके आ। अनबू सेल्वम, अगर तुझ में हिम्मत है और ये लड़की तुझे चाहिए तो समरा सिम्हा अभी, सिर्फ तुम तीनों। हेलो क्या हुआ? स्वाति तू जा सकती है, तेरा पति तुझे ढूंढते हुए आ रहा है, उसके पास जा, चल जा, जा। बिना किसी सुरक्षा के तुम कैसे जा सकते हो? उसने सिर्फ तुम तीनों को बुलाया है, इसका मतलब वो तुम तीनों को खत्म करना चाहता है। हमें ये भी नहीं पता वो कितने लोग हैं। कम ऑन अनबू, हमें कुछ सोचना होगा। सर हम लोग जा रहे हैं, ये जंग हमने शुरू की थी, इसे हम ही खत्म करेंगे, आप बस वेपन सैंक्शन कीजिए। तुझे एक जगह लेके जाने वाला हूं, चल चलते हैं, चेहरा वगैरह ठीक से धो ले, यहां से जल्दी निकलना है, परी की तरह तैयार हो क्या, समझे? रुक जाओ,
सर सर जरा उधर देखिए, श्रीकांत सर जरा उस तरफ देखिए। क्या है ये सब अनबू, क्या ये सब? इसे खोल कर देखते हैं। नो अनबू नो, इसके अंदर क्या है मुझे अच्छी तरह से पता है। श्रेय, इसमें कुछ नहीं है, मैं खोल कर देखने वाला हूं। अरे वो कौन है अनबू, क्या चाहिए उसे, क्यों हम उसके सामने झुक रहे हैं, हम उसे कुछ कर नहीं सकते क्या? शिट। ए श्रेय, शांत हो जाइए सर, सर 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 संभालिए सर 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 संभालिए सर 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 प्लीज सर 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 संभालिए अपने आप को सर। उससे सब रिलैक्स नहीं हो रहा है। रिलैक्स श्रे, रिलैक्स। क्या हो सकता है मुझसे सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज मुझसे सब नहीं देखा जा रहा यार। क्यों रो रहे हैं? रोने से क्या होगा? प्लीज स्वाति का पार्सल करके भेजा है, स्वाति का। स्वाति का पार्सल भेज दिया उसने। अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। संभालो। सॉरी अनबू, मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुझे धोखा दिया, सबको धोखा दिया मैंने। ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ ये सब कुछ। श्री प्लीज, कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। मेरी स्वाति मर गई। श्री बैठ जाओ। माया को उठा के ले गए। श्री बैठ जाओ। कुछ नहीं होगा। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मैं जीने का लायक नहीं हूँ। श्री 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 क्या कर रहा है? श्री श्री क्या कर रहा है? श्री श्री प्लीज ऐसा मत कर। श्री 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 क्या कर दिया तुमने? श्री hey, गर्दन काटे कितनी देर हो गई? तुम्हें अजीब नहीं लग रहा है? कब तक पड़ी रहेगी यहाँ पे? वरलक्ष्मी नाम की एक औरत है, तूने उसके बारे में कभी सुना है? उसका एक बहुत बड़ा घर है, उसके घर में सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हैं। तुझे वहीं लेके जाने वाला हूं, तेरी जैसी लड़कियों की वहां बहुत डिमांड है। एक से एक शहर के बड़े ठरकी लोग वहां पे आते हैं। दो हफ्ता तू वहां रह गई ना, बस पैसा वसूल। और जब तेरा अनबू आएगा तो तेरी हालत देख के वो तड़प तड़प के मरेगा। कसम से ये सब करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूं, तेरा वो हीरो मरा नहीं ना, उसे मरना होगा। बॉस कहाँ जा रहा है? भूख लगी, इडली खा के आता हूं। हाँ ठीक है ठीक है। यस सर, अनबू यहीं पर है, मैं इन्फॉर्म कर देता हूं। ओके सर। अनबू, इसका नाम बोस है, सेतु का पुराना आदमी है। पांड्या इस वक्त कहाँ है इसे पता है, ये भी जानता है कि माया इस वक्त कहाँ है। आज रात वो लोग उसे कहीं और ले जाने वाले हैं। हमें रात होने से पहले कुछ करना होगा, ये हमारे लिए आखिरी चांस है। वरलक्ष्मी, तू अपनी जात मुझे मत दिखा, तू जहां कहेगी वहां मैं नहीं आ सकता। मैं जो जगह बता रहा हूं तुझे उस जगह पे आ, और पैसा लेके आना, इस लड़की को अपने साथ लेके निकल जाना, समझी? आधे घंटे में तुझे वहां आना है।
पांड्या 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 पुलिस पुलिस ने चारों ओर से घेर दिया पांड्या, राम और चंद्रा को मार दिया पांड्या उन लोगों ने, यहाँ से जल्दी भागना होगा पांड्या, जल्दी उठाओ जल्दी, चलो 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 पांड्या बॉयज चलो, किसी एक को भी मत छोड़ना, मूव पांड्या, माया 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 फायर पीछा करो उनका जल्दी पीछा करो फॉलो हिम मूव मूव माया माया अरुण माया अरुण 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 माया 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 कुछ नहीं होगा माया 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 कुछ नहीं होगा बॉयज बॉयज आई नीड हेल्प अरुण माया 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 कुछ नहीं होगा माया 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 दर्द हो रहा है क्या माया सुनाई दे रहा है ना अरे माया माया मैं रो नहीं रहा हूं मुझ में भी हिम्मत बाकी है तुम्हें दिखाई दे रहा है ना माया मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूं वहां डॉक्टर अच्छी तरह से तुम्हारा इलाज करेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा माया अरुण माया जब तुम अपनी आंखें खोलोगी तो मैं वहां तुम्हारे सामने रहूंगा ये सब तुम मुझे वापस बताओगी ना माया बताओ ना कुछ बोलो ना माया क्या हुआ आया नहीं अभी तक लगता आधा घंटा लगेगा बोट आने में विपिन जाके फाड़ दे उसे अबे पुलिस वाला इधर आ बे अबे इधर आ ए आजा मेरे साथ लड़ आना क्यों फट रही है क्या एसीपी अन्नू सेल्वम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इधर आ आ इधर देख अकेला खड़ा हूं तेरे सामने आजा Hey!
उठना। अबे उठना, क्या हुआ? मारना मुझे। उठना, आजा। मेरे साथियों को मारने के बाद जब मैं अकेला रहूंगा तब बात करेगा, बोला था अकेला आया हूं मैं, बात कर मुझसे, बोलना। अरे बोलना। देख देख, बात करना, बात कर मुझसे, बात कर। देख सब मर चुके हैं तेरे आदमी, कितने लोगों को मारा है तूने, सिर्फ एक सेतु के लिए। थू, वो एक कीड़ा था, उसे मिटाना था। ये इस शहर के लिए अच्छा था, इसलिए मैंने उसे मारा था, उसके लिए तू आया। तुझे भी खत्म कर दूंगा मैं, तेरे जैसा कोई और आएगा मैं उसको भी मारूंगा, सबको मारूंगा मैं। आए, 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 पुलिस की जिंदगी एक जंग का मैदान है, लेकिन यहां पर निशाना सिर्फ किसी की जान लेने के लिए नहीं लगाया जाता। कुछ पुलिस वाले ईमानदारी, हिम्मत और वर्दी की इज्जत के लिए जीते हैं। खाकी वर्दी में भी कुछ धब्बे होते हैं, उसकी वजह उसे पहनने वाला इंसान ही होता है। कुछ पुलिस वाले अपनी ईमानदारी को कभी नहीं भुला पाते, उनके अंदर आज भी मानवता जिंदा है, वो उसके लिए कोई भी कीमत अदा करते हैं। उन्हीं पुलिस वालों के कारण हम सब चैन की नींद सो पाते हैं। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दो कि वहां पर 10 मिनट में पहुंचा है। मैं 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा, मैं सब देख लूंगा सर। ऐसे ही रहना है, मैं ये नहीं कह रही, पर ऐसे रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आज के बाद आपकी लाइफ कलरफुल होने वाली है।